देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। बात कर लेते हैं एक राजद नेता की जो सोशल मीडिया पर हमेशा सुर्खियों में बने रहती हैं। हम बात कर रहे हैं ऋतु जायसवाल की। उनसे खास तौर पर बातचीत की हमारे सहयोगी ने। उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए आप भी। आरजेडी के विधायकों द्वारा चंदा देने जाने को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं और जीताराम मांझी भी सवाल उठा रहे हैं। मैडम, जो विधायक और विधान पार्षद जो चंदा दे रहे हैं, पार्टी में सहयोग कर रहे हैं, उसको लेकर अब सवाल खड़े हुए हैं। ये किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया गया है। ये कहा गया है कि जो भी लोग पार्टी को चंदा के तौर पर अगर कुछ देना चाहते हैं तो वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत, पार्टी जो है वो चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो खर्चे होते ही हैं। अगर पार्टी ने कहा और अगर वो लोग अपनी सुरक्षा से दे रहे, कोई दबाव नहीं बना गया है, तो ये कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये उससे बेहतर है। और चोर दरवाजे से जैसे आपका पार्टी चलाने के लिए पैसा पहुंचता है, फिरौती कहीं की, रंगदारी कहीं की, डकैती कहीं की पार्टी चलाते हैं आप जिस तरीके से, उस पाप के पैसे से बेहतर है कि ईमानदारी से 2000, 4000, 5000 अगर लोग अब सक्षम है कंट्रीब्यूट करने के लिए तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसमें किसी तरह की बात नहीं उठनी चाहिए। सीधा आरोप लगा रहे हैं कि तमाम जो रंगदारी जो होते हैं वो पैसे ऊपर तक भी पहुंचे। सरकार आपकी है, आपके नाक के नीचे हो रहा है और वो पैसे अगर और पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, प्रशासन नाकाम है, तो ये कहीं ना कहीं से मिली भगत नहीं होती है क्या कि अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं, किसी तरह की घटनाएं रोज घट रही हैं, आप सुरक्षित नहीं है। सुबह से शाम तक अगर घर आप जिंदा वापिस लौट आओ तो आपको लगता है कि बिहार में आप जिंदा हो, आप यहाँ पे हो। बिल्कुल, जो आरजेडी की जो नेत्री है जो ऋतु जायसवाल, वो लगातार कर रहे हैं कि आरजेडी के जो विधायक चंदा दे रहे हैं वो आपसी सहयोग तो दे रहे हैं और इस पर सवाल उठाना किसी तरह का जो है वो बेमानी होगी। कैमरामैन डब्ल्यू के साथ अनीश कुमार, सनमार्ग लाइव 7, पटना।